अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है ऑरेंज केक बनाने की रेसिपी। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े का बनता है। तो इसको बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए हैं वो नोट डाउन कर लीजिए। ये मैंने एक जो है छोटे साइज़ का ऑरेंज लिया है। आपको केक बनाने के लिए मीठे वाला ऑरेंज चाहिए है। कोशिश करें कि बहुत मीठा ऑरेंज देख कर लें, खट्टा ना लें। सिर्फ एक ही छोटा सा हमें ऑरेंज चाहिए है, जिसको मैंने ये देखें ये छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और इसको मैं ग्राइंडर करके इसकी मैं प्यूरी तैयार कर लूँगी। छिलकों समेत मैंने काटा है, लेकिन बीज सारे आपने निकाल देने हैं। ये देखें, ये मैंने इस तरह इसको काट लिया है। इसको मैं अब ग्राइंडर के जग में डालकर इसकी प्यूरी तैयार करूँगी। सबसे पहले हम लोग इसकी प्यूरी तैयार करते हैं। ये देखिए, ये ऑरेंज के छिलकों समेत हम लोगों ने इसका ये पेस्ट रेडी कर लिया है। ये हमें चाहिए है, और हमें चाहिए हैं 2 अदद अंडे। ये चाहिए हैं 1/2 कप कुकिंग ऑयल, 50 ग्राम आप बटर भी ले सकते हैं, वरना ये 1/2 कप मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। ये चाहिए है हमें, और 1/4 कप चीनी, यानी कि ये तकरीबन 75 ग्राम के करीब है। ये हमें चीनी चाहिए है, और 1.5 कप हमें चाहिए है मैदा, ऑल पर्पज़ फ्लावर ये हमें चाहिए है, और हमें 1.5 चम्मच ही चाहिए है बेकिंग पाउडर, ये हमें चाहिए है, और थोड़ा सा हमें चाहिए है ऑरेंज फूड कलर। तो सबसे पहले हम लोग ये जो मोल है इसको ग्रीस कर लेते हैं। इसको अच्छी तरह से हम लोग ऑयल के ब्रश की मदद से इसको ग्रीस करेंगे, और इसके अंदर एक पीस ये बटर पेपर का जो है वो रख कर इसको अच्छे से सेट करके इसके ऊपर भी थोड़ा सा ये ऑयल से इसको भी ग्रीस कर देंगे इस तरह से। और ये रेडी करके हम लोग रख लेते हैं, और फिर हम लोग इसकी तैयारी करते हैं। ये हम लोग साइड पर रख लेते हैं। ये देखिए, ये रेडी हो चुका है। अब हम लोग एक बर्तन लेंगे, बोल, इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे इस तरह से, और इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे 2-3 मिनट के लिए। अच्छे से तेज़ तेज़ घुमाकर मिक्स करेंगे। चीनी जो है वो हमें बारीक लेनी है, पाउडर शुगर। अगर आपके पास पाउडर शुगर नहीं है तो आप इसे ग्राइंडर की डब्बी में डालकर पीस कर पाउडर कर लें। इसको करने के बाद इसके अंदर ये जो ऑरेंज की हम लोगों ने निकाला है पेस्ट, ये डाल देंगे। इसको भी मिक्स करेंगे अच्छे से। और ये दोनों अंडे भी डाल देंगे, और अच्छे से 5 मिनट के लिए मिक्स करेंगे। अगर आपके पास बीटर है तो आप बीटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हाथ से भी हम लोग कर सकते हैं। तो इसको हम लोग 5 मिनट के लिए अच्छे से बीट करेंगे। ये देखिए, ये अच्छे से बीट हो चुका है। अब हम लोग इसको साइड पे करेंगे, और इसके अंदर हम लोग एक टीस्पून और ये 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे मैदे में, और इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद इसको करेंगे साइड पे। इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा डालेंगे फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर। अगर आप नहीं भी डालें तो भी चलेगा, लेकिन थोड़ा सा हम लोग इसके अंदर डालेंगे। एक चुटकी, इससे ज़्यादा नहीं, एक चुटकी बस डालेंगे, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है।
अब हम लोग ये जो बेकिंग पाउडर और मैदा है इसको हम लोग इस तरह थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे इस बैटर में और इसको हम लोग मिक्स करते जाएंगे। इस तरह से और दो से तीन दफ़ा में हम लोग इसको डालेंगे, एकदम से ये सारा नहीं डालेंगे बल्कि दो तीन दफ़ा हम लोग इसके अंदर डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे। अब ये बाकी का बैटर भी हम लोग डाल देंगे। आप कभी भी डायरेक्ट जो है मैदा और बेकिंग पाउडर का जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इसको डायरेक्ट मत डालिए, लाजमी इस तरह छलनी में छान कर ही आप डालें और तीन से चार दफ़ा में ही आप लोग इसको इसके अंदर मिक्स करें तो इसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आता है केक का। केक बड़ा स्पूंजी फूला फूला सा बनता है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह से ये देखें ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम लोग ये जो हम लोगों ने मोल लिया था इसको लेंगे, इसके अंदर बैटर को डाल देंगे। ये देखिए बैटर सारा जो है हम लोगों ने इसके अंदर डाल दिया है। इसको थोड़ा सा टैप करेंगे ताकि बबल्स ना रहे। हम लोगों ने अवन को प्री हीट होने के लिए रख दिया था 10 मिनट के लिए। अब हम लोग प्री हीटेड अवन में इसको 15 से 20 मिनट के लिए बेक करेंगे 150 डिग्री टेम्परेचर पर। ये देखिए ये हम लोगों ने अवन से निकाल लिया है, तकरीबन 30 मिनट लगे हैं इसको बेक होने में। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ, ये बहुत ज़बरदस्त परफेक्ट बेक हुआ है। ये देखिए अब हम लोग इसको निकाल लेते हैं, बहुत सॉफ्ट और स्पूंजी बना है। तो हम लोग इस ट्रे में निकाल लेते हैं। ये देखिए ये किस कदर सॉफ्ट बना है। अब मैं आपको इसको काट कर दिखाती हूँ। देखिए मैं आपको करीब से दिखाती हूँ, बहुत ज़बरदस्त परफेक्ट बना है, बहुत ही टेस्टी। और ये देखिए ये मैं किस कदर सॉफ्ट बना है, स्पूंगी बना है। ये देखें स्पॉन्जी केक बना है हमारा। अब हम लोग ये सभी को काट लेते हैं इसको। ये देखिए ये बहुत ही ज़बरदस्त बना है। देखिए मैं आपको बिल्कुल करीब से दिखा रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त बना है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, ऑरेंज केक बनाने की रेसिपी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर भी करें।
तो मिलती हैं एक नई रेसिपी के साथ प्रो रेसिपीज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।